हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोबेल्को 220 एक्सावेटर में बकेट सिलेंडर हाइड्रोलिक लीकेज के बारे में। अगर दोस्तों आप लोगों के बकेट सिलेंडर या बूम सिलेंडर या आर्म सिलेंडर में किसी तरह की हाइड्रोलिक लीकेज है तो उसे आप लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं और उसका क्या लीकेज का कारण होता है, उसके बारे में ही हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बकेट सिलेंडर की तरफ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप लोग उसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेंडर जो बकेट का सिलेंडर है वो लीकेज तो नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बकेट सिलेंडर का जो रैम होता है उसके पास जाना है और आप लोगों को अपने हाथ से उसके ऊपर उस जो रैम का सरफेस होता है उसके ऊपर टच करके देखना है कि उस पर हाइड्रोलिक तो नहीं आ रहा है। ये देखिए, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, अगर ऐसे हाइड्रोलिक आ रहा है तो इसका मतलब आपके जो बकेट सिलेंडर की जो सील है वो कट चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो पूरा हाइड्रोलिक है वो रुक नहीं पा रहा और वो बाहर की तरफ रिस रहा है। तो इसके लिए दोस्तों, आप लोगों को अपने बकेट सिलेंडर का जो सील है उसे चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सील चेंज करने से पहले आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आप लोगों का जो बकेट सिलेंडर का रैम है उसका पॉलिश, उसकी जो क्रोम होता है वो ख़त्म तो नहीं होगा या उसके ऊपर किसी तरह का दाग तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में आप लोग सील डालते हैं तो आप लोगों का जो सील है वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इसकी अगले पार्ट में हम आप लोगों को इसकी जो सील है उसे किस तरीके से डालना है और इससे सिलेंडर को किस तरीके से बाहर निकालना है उसकी बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ला करके देता रहूं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, हम जब भी नई वीडियो कोई भी डालेंगे तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग में, जिसमें हम लोग इस बकेट सिलेंडर को खोल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए जय जय भारत।